ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वभदान्तिकम्। वन्दे अहम् श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुतै देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ सत्संग प्रेमीजनों, मेरे बहन भाइयों, सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का ये सत्संग समारोह है, भक्ति रस वर्षा है। गीता कर्म सिखलाती है, ज्ञान सिखलाती है और भक्ति। ऋक् साम यजुर्वेद च, यजुर्वेद काम सिखलाता है, ऋक् ज्ञान सिखलाता है और साम प्रेम सिखलाता है, भक्ति सिखलाता है। ऋक् साम यजुर्वेद च, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तीन वेदों का विशेष करके नाम लिया है। वेदा नाम साम वेदो अस्मि। क्यों साम वेद है? क्यों साम वेद प्रेम सिखलाता है और प्रेम सबसे ऊंची सगाई है, सबसे ऊंचा रिश्ता है। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम प्रभु का रूप है, प्रेम प्रभु का रूप है। तो आइए आज के सत्संग में, पिछले सत्संग में 18वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता और तीन गुणों के लिए विशेष करके प्रारंभ से भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, कर्ताओं के विषय में, कर्मों के विषय में, ज्ञान के विषय में, बुद्धि के विषय में, धारणा ध्यान के विषय में, सभी प्रकार का ज्ञान अर्जुन को दिया भगवान ने। दान यज्ञ तप, और कहा कि यज्ञ दान तप है कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। इनको त्यागना नहीं चाहिए कभी भी, यज्ञ दान और तप। कांटों के ऊपर सो जाना तप नहीं है, या अपनी चार तरफ अग्नि जला लेना और बीच में बैठ जाना तप नहीं है। नहीं, शरीर को टॉर्चर करना, कष्ट देना तप नहीं है। तप भगवान ने, श्री कृष्ण ने तप का शुद्ध रूप बतलाया भागवत गीता में कि शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है और मन का तप क्या है। मन है प्रसाद है सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मान समुच्चते। ये मन का तप बतलाया भगवान ने।
अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्चते। ये वाणी का तप बतलाया। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शोचम आजुहम चयत ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्चते। ये शरीर का तप बतलाया। ये तप है, शरीर का तप करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, मन का तप करने से मन प्रसन्न और शांत होता है और हमारे भाव में हमारे विचारों में निखार आता है। वाणी का तप करने से हमारी वाणी पवित्र होती है, प्रभु का नाम लेने में रस लेने लगती है, तब प्राणी का कल्याण होता है, तब प्योरिफिकेशन होता है। ये तीनों तप प्योरिफिकेशन के लिए आपका मन बुद्धि अहंकार चित्त के विचारों को और शरीर को ब्लड को वीर्य को सबको पवित्र करने वाले ये तीनों तप हैं। ये नहीं कांटों की सैया पर सोए हुए हैं टॉर्चर कर रहे हैं या ऊपर को एक हाथ दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं हिरण्यकश्यपु की तरह, या हिरण्यकश्यपु ने 1000 वर्ष तक मदिराचल की घाटियों में जाकर के तप किया था भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए। भगवान विष्णु ने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था नरसिंह का रूप धारण करके, तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा प्रण लिया कि मैं बदला लूंगा मेरे भाई का, भाई की मौत का। अपनी भाभी को समझाया कि भाभी आंसू पोंछ लो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आप लोगों के सामने सभी के सामने कि मैं मेरे भाई की मौत का बदला विष्णु से अवश्य लूंगा। तो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में आए, आते थे तो वो असुर ही, लेकिन नारद जी की बड़ी विशेष कृपा हुई। उनकी माँ कायादु को जब इंद्र हरण करके ले जा रहा था तो नारद जी मार्ग में प्रकट हो गए, कहा कि इंद्र किसकी पत्नी को उठाए ले जा रहे हो? बोलो ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है कायादु, गर्भवती है ना इंद्र, ये गर्भवती है, इसको क्यों ले जा रहे हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, लेकिन देवताओं का अरि हिरण्यकश्यप है तो इसके गर्भ में जो बीज पल रहा है इसको भी मैं जब पैदा होगा इसको नष्ट कर दूंगा अगर ये लड़का हुआ तो, क्योंकि मैं हिरण्यकश्यप के वंश को नष्ट करना चाहता हूं। वो देवताओं के लिए बड़ा अखड़ता है, वो दुश्मन है हमारा। अरे इंद्र ऐसी मूर्खता मत करो, मैं एक जिम्मेदारी लेता हूं, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, इस कायादु नारी को भी, मैं इस गर्भवती नारी को ही ऐसी शिक्षा दूंगा कि ये बच्चा असुर स्वभाव का पैदा नहीं होगा, भगवान विष्णु का भक्त पैदा होगा और तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। इंद्र मान गया नारद जी की बात को, तो नारद जी ने गर्भवती कायादु माता को उपदेश किए, भगवान के पवित्र नामों के उपदेश किए और गर्भ के अंदर स्थित ये आत्मा थी तो असुर आत्मा लेकिन विशेष आत्मा थी, प्रहलाद महाराज थे वो सुन रहे थे। और बस प्रहलाद महाराज का तो कथा आप सब जानते हैं, तो तमोगुण में असुर होता है, रजोगुण तमोगुण सवार होते हैं, सत्वगुण में सभी का भला होता है, अगर सत्वगुण प्रभावशाली हो शरीर के अंदर। ये समाज में सत्वगुण प्रबल होता है तो समाज सतयुग की तरह चलता है, रजोगुण प्रभावशाली हो, सत्वगुण तमोगुण को दबा दिया हो, रजोगुण ऊपर आ गया हो तो राजनीति के दाव पे चलते हैं और दुख पाने वाले कर्म मनुष्य करता है जो दुखों का भागी बनता है। रजोगुण में रजोगुण दुख दाता है, सत्वगुण सुख दाता है,
तमोगुण में जब ये समाज होता है तो ये पृथ्वी नरक बन जाती है। पृथ्वी का सारा रूप नरक जैसा उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही प्रत्येक इंडिविजुअल शरीर के अंदर है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों ही प्रगट होते हैं, लेकिन कौन सा गुण शासन कर रहा है उसके ऊपर शरीर मनुष्य जो है सुख दुखों का भागी बनता है। सत्वगुण शासन करता है मनुष्य के शरीर में, बुद्धि में, मन मस्तिष्क में, तो सुख का भागीदार बनता है। रजोगुण करता है दुख का भागीदार बनता है। तमोगुण अगर प्रभावशाली हो, शासक हो, तो नरक की ओर जाता है, दुर्गति में ले जाता है। इस प्रकार से भगवान ने बतलाया ये गुणों का खेल, कि इसमें दान भी तीन गुणों में होते हैं, यज्ञ भी, तप भी, धारणा, ज्ञान, कर्म इत्यादि बातों को भगवान ने बतलाया। बुद्धि भी तीन प्रकार की बतलाई, सत्वगुणी बुद्धि क्या है, रजोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या है। तो आइए इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, उसका आनंद लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओ शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्री भगवान उवाच। बुद्धेर्भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मं अधर्मं च कार्य च अकार्यम् एव च एतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। धर्मम् अधर्मम् इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ सात्वी तामसी। इस प्रकार से भगवान ने सत्वगुण रजोगुण और तमोगुणी बुद्धि के विषय में बतलाया, इसकी व्याख्या करेंगे। अभी धृति भी इसके आगे बतलाइए भगवान ने, कि श्लोक बुद्धि के भेद जो है 18वें अध्याय के 29, 30, 31
और 32वां श्लोक पढ़ा आपके सामने। अभी धृति यानी दृढ़ संकल्प धारणा, इसके विषय में श्लोक हैं 18 अध्याय का 33वां, 34वां और 35 और 36वां, ये भी मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। फिर इनकी व्याख्या भगवान ने जिस जिन भावों से कहा है, श्यादन भावों को पकड़ते हुए जो गुरु महाराज ने दिया है ज्ञान, आपको सुनाएंगे। धृत्याय आधार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगीन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी वृत्ति धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्छति दुर्मेधा न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तर सभा अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। धृति भी तीन प्रकार की बतलाई, धैर्य, धृति यानी धारणा जो हम संकल्प कर लेते हैं, धार लेते हैं हृदय के अंदर कि ये करके दिखलाऊंगा, ये करके बतलाऊंगा, ये करूंगा, ऐसी धृति, ऐसी धारणा, संकल्प तीन प्रकार का भगवान ने कहा। सत्वगुणी संकल्प भी होता है, रजोगुणी भी होता है और तमोगुणी भी होता है। उसके बाद में भगवान ने सुखों के विषय में बतलाया कि सुख भी तीन प्रकार के होते हैं अर्जुन। बड़े विस्तार से भगवान ने अर्जुन को सुलझाया है, गुणों की महिमा का गान किया है। बुद्धेर वेदम धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, ये बुद्धि और धृति, इनके भी भेद हैं गुणों के अनुसार। जो प्रकृति के गुण हैं, तीन गुण, मोड्स ऑफ दिस मैटेरियल नेचर, द मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अनुसार बुद्धि के भी भेद हो जाते हैं और धृति के भी। इस प्रकार से भगवान करें और करें कि ये पूर्णतया पूरे रूप से मुझसे सुन, मैं तुझे सुनाता हूं। हे धनंजय, इस विषय में भगवान ने पहले बुद्धि को लिया, बुद्धि के विषय में कहा है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयावहे बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि का वर्णन भगवान ने किया कि जो बुद्धि संसार में रहने के लिए, संसार को जीने के लिए प्रवृत्ति यानी संसार में प्रवेश करना जानती है चतुरता के साथ। एक शब्द है प्रवृत्ति यानी प्रवेश करना, घुस जाना। एक है निवृत्ति यानी निवृत्त हो जाना, मुक्त हो जाना। ये दोनों बातों को जो बुद्धि जानती है, यानी संसार में प्रवृत्ति हो, संसार में घुसना हो, तो ऐसे घुसे कि फंसे नहीं कहीं। फंस गए तो बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। इस प्रकार के कर्म करे, इस प्रकार से जीवन जिए कि फंसे नहीं, जम के फांसों में, जम के बंधन में ना आए, ये बुद्धि सात्विक कही भगवान ने। और इस संसार से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी जो बुद्धि जानती है, उस बुद्धि को हे पार्थ सात्विक बुद्धि कहा है। कार्य और अकार्य के विषय में जो जानती है भली प्रकार से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह बुद्धि सात्विक है।
भय क्या है, कहां से आता है, कैसे जन्म लेता है भय डर, और अभय कैसे जन्मता है मनुष्य के हृदय में। ये जो जानती है भय और अभय के विषय में, वो बुद्धि भी सात्विक है। बंधम मोक्षम, कैसे संसार के बंधन में, जम के फंदों में आदमी जकड़ा जाता है, इसको भली प्रकार से जानती है, और कैसे मुक्त हो सकता है इसे भी भली प्रकार से जानती है। ये पार्थ, ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा है। भया भय अभय, अभय भगवान ने जहां 16वें अध्याय में 26 दैवी गुणों का वर्णन किया है, डिवाइन क्वालिटीज का, वहां पर अभय को सबसे पहले नंबर पर रखा है। दिव्य विभूतियों में, दिव्य गुणों में, यानी दैवी संपदा के विषय में भगवान ने 3 श्लोक बोले हैं। उनमें प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द अभय का आया है। अभय इतनी विशेषता रखने वाला शब्द है। तो जो बुद्धि ये जानती है कि अभय कैसे प्राप्त हो और भय कैसे प्राप्त होता है, ये दोनों विषय में जानती है भली भांति से, वो भय में तो क्यों पड़ेगी, अभय की ओर ही जाएगी। तो ऐसी बुद्धि को भगवान ने सात्विक कहा है। ये दैवी गुण है 26। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्यवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्वलोलुत्वम मार्दवम हरीरचापलम तेज क्षमा धृति शोचम ऐद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत। ये 26 दैवी गुण जब हम भगवान से कभी अनादि काल में अलग हुए थे, आत्मा स्वरूप से, इंडिविजुअल आत्मा के रूप से, तब हमारी शुद्ध परम शुद्ध अवस्था, परम शुद्ध भावना थी। उस परम शुद्ध भावना में सभी 26 दैवी गुण समाहित थे, लेकिन संसार के चक्र में घनचक्री बन जाने से धीरे धीरे वो कंटामिनेशन हो गया, बिगाड़ हो गया, संसार के रंग जम गए तरह तरह के, हमारी शुद्ध भावना में काला रंग जम गया, लाल नीला पीला कपूत रंग का, सफेद रंग का रंग चढ़ गए, निर्मलता चली गई, वो जो क्रिस्टल क्लियर भावना थी वो नहीं रही। मूल रूप में है आज भी, लेकिन कवर्ड है, जैसे कोई सूर्य को बादल घेर लेते हैं, ढक लेते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी ओरिजिनल भावना, मूल प्रकृति, मूल स्वभाव आज भी है, आत्मा के साथ सदैव होता है, लेकिन वो ढक गया है हमारे भ्रमों ने, हमारे खजानों ने, हमारे विकारों ने, संसार के संगत ने, काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच ईर्ष्या डिमांड काम वासनाएं डिजायर्स, इन्होंने उसको तरह तरह से लेप दिया है, पोत दिया है, तरह तरह के रंगों से धुंधला दिखता है। चश्मे के ऊपर कोई रंग चढ़ा दे, चाहे सफेद रंग चढ़ा दो, ये चश्मा रहा आपके सामने, कोई सफेद रंग चढ़ा दे तो क्या दिखेगा मुझे, या कोई नीला या पीला या लाल या काला, क्या दिखेगा। काला चढ़ा दिया तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो तम है, तमोगुण है। अभयम सत्तु संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्यम
अहिंसा सत्यम एकरोधस त्यागो शांति रह पैशुनम दया भूतेश्वलोरुत्तम मार्दवम हिरीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम ए द्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, जो बुद्धि प्रवृत्ति इस संसार में जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पहला प्रश्न यही किया था। दो प्रश्न विशेष किए हैं परीक्षित महाराज ने, उन दो प्रश्नों के आधार से तमाम 18,18,000 श्लोकों की का महान ग्रंथ भागवत पुराण की रचना हुई। दो प्रश्न है परीक्षित महाराज के सामने, उन्हीं के प्रश्नों के जवाब में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचना हुई, उसके आधार से सुखदेव गोस्वामी जी ने जवाब दिया। पहला प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि जो व्यक्ति मरण संज्ञा पर पड़ा है, अभी मरा घंटे भर में मर जाएगा, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, दो चार दिन में मर जाएगा, मरण संज्ञा पर है, कभी भी दम निकल सकता है। हे भगवान सुखदेव, जो व्यक्ति मरण संज्ञा पर पड़ा है उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य है, ये मेरा प्रश्न है पहला। और दूसरा प्रश्न भी है कि जो व्यक्ति संसार में जीना चाहता है उसके क्या कर्तव्य हैं, इनका मुझे जवाब दे दीजिए। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुमने बहुत बुद्धिमानी के प्रश्न किए हैं, ये संसार के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब देता हूं। तुमने पूछा है कि जो व्यक्ति मरण संज्ञा पर पड़ा हो उसके उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित, जो व्यक्ति मरण संज्ञा पर पड़ा है उसे सतत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, एक पल भी उनको नहीं बुलाना चाहिए, वो कभी भी उनका दम टूट जाएगा। यदि उनको भगवान श्री कृष्ण की याद मन मस्तिष्क में उस भावना में बैठी हुई है तो वो अवश्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, उसके जीवन का पूरा लाभ उसको मिल जाएगा, जिसको परम लाभ कहा है, जिसको परम लक्ष्य कहा है उसको मिल जाएगा, उसको अपनी मंजिल मिल जाएगी। अंत मता सर्वता, अंत में प्राणी की जहां मति स्थिर होती है वहीं वो चला जाता है। भगवान ने गीता में कहा भी है, यम यम वापि स्मरम भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेयो सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, ये प्राणी जिन जिन विचारों का स्मरण करते हुए ये शरीर को त्यागता है उनमें ही, उन विचारों में ही अगला जन्म उसका हो जाता है। मामनु स्मरण युद्ध, तभी तो भगवान कहते कि युद्ध में मेरा स्मरण करो। तस्मात सर्वेषु भावेषु मामनु स्मरण युद्ध च, पूर्ण भाव के साथ में पूर्ण कंसंट्रेटिवली मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, एक पल को भी मुझे ना भूलो। तुम मारे गए तो मेरा धाम प्राप्त होगा, और तुम विजयी भए तो तुम वीरता को प्राप्त होगे, पुरुषार्थ मिलेगा, यश मिलेगा। मामनु स्मरण युद्ध च, तस्मात् सर्वभावेषु मामनु स्मरण युद्ध च। तो जो बुद्धि, परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो मरण से यहां पर पड़ा है उसको अपनी मन मस्तिष्क भावना विचारों में सदैव भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से उसको उसकी परम गति होगी, परम लाभ मिलेगा उसे।
स्वयं भगवान मिल जाते, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा जीवन बताइए। स्वयं सुप्रीम पावर, सुप्रीम धाम, परम धाम आपको मिल जाए तो आपसे बड़ा लाभ प्राप्त करने वाला कौन होगा। दूसरा प्रश्न परीक्षित महाराज का था, जो इस संसार में जीना चाहते उन्हें क्या करना चाहिए, जो जीना चाहते उन्हें क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य हैं। परीक्षित महाराज को जवाब दिया है सुखदेव गोस्वामी जी ने कि जो इस संसार में जीना चाहते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए और उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, तभी उनको परम लाभ मिलता है जीवन का, मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का। यहां वही शब्द है प्रवृत्ति में, जो संसार में जीना चाहते हैं कैसे जिए, वो जीने की कला जो जानते हैं, ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि अर्जुन, ऐसी बुद्धि पाप कर्मों में नहीं उतरती, बुरे कर्मों में नहीं उतरती, बुरे पथ पर नहीं जाती। उसको मालूम है कि इस पथ पर मैं जाऊंगा तो जकड़ा जाऊंगा, कर्म फल के बंधन में पकड़ा जाऊंगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, दुखों से गिर जाऊंगा। सात्विक बुद्धि जानती है क्या करना चाहिए, कार्य च अकार्य, क्या कर्म है जो करनी चाहिए और क्या अकर्म है जो नहीं करनी चाहिए। तीनों गुण विद्यमान है हमारे शरीर में, लेकिन सत्वगुण शासन करेगा आपके शरीर में, सत्वगुण प्रबल होगा तो आपके आपके मन मस्तिष्क विचार सब सत्वगुण में होंगे, सत्वगुण कर्म करोगे। आपको सत्वगुण, सत्वगुणी व्यक्ति को जैसे वस्तुएं जैसी हैं वैसी दिखाई देती है, ऐसे ही दिखाई देने लगेगा। फिर निवृत्ति, इस संसार से निवृत्त होना, मुक्त होना, संसार के कर्म फलों से मुक्त होना जो जानती है वो बुद्धि सात्विक है। सात्विक के अंदर इतनी विशेषता है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकती है, वो बुद्धि जो सात्विक बुद्धि है। मुक्त होना जानती है, तो जो बुद्धि मुक्त होना जानती है वो ये भी जानती है कि परमपिता परमेश्वर एको बहुनाम, एक एक परमपिता परमेश्वर है, उनको अनेकों नामों से जाना जाता है और उनसे प्रेम बढ़ाना, उनकी सेवा करना, उनका सतत स्मरण करना, स्मरणम श्रवणम, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दर्शनम साख्यम आत्मवेदनम। प्रहलाद महाराज ने नौदा भक्ति का उल्लेख किया है, भागवत में जानने को मिलेगा, भक्ति के 9 स्टेप्स हैं, इनमें श्रवण सबसे पहले, उस प्रभु के विषय में सुनना। कोई अनंत की नाद सुनता है आंख बंद करके रात में बैठ के, वो भी उस प्रभु को ही सुनना है, लेकिन एक क्षेत्र से उस प्रभु का गुणानुवाद सुनना, सत्संग में जाना, संत महात्मा को सुनना, गुरुजनों को सुनना, कीर्तन उसकी कीर्ति का गान करना, सुन लो आप जानो कुछ उनके विषय में तो उसके उनको बार बार धन्यवाद देना, उनकी कीर्ति का गान करना, वाह मेरे प्रभु वाह। नाना प्रकार के फूल हैं, तितलियां हैं, सुंदर बादल उठते हैं, बारिश होती है, प्रभु की महिमा देखिए, कितने सुंदर गेहूं हैं तरह तरह के, चावल है तरह तरह के, फल सब्जी तरह तरह के, गाय दूध दे रही हैं, दही दूध घी पनीर नाना प्रकार की, भगवान की देन देखो, उनको धन्यवाद देना। जब जल पियो तो उनको धन्यवाद देना, जिस जल जल में जिस जल से हमारा जन्म हुआ है, जब जल पियो तो भगवान को धन्य देना कि धन्य हो प्रभु, कितना स्वादिष्ट जल मुझे पिलाया है आपने, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। संतों ने कहा दाल रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना,
शनै शनै पिपील का 100 योजन गता। धीरे धीरे एक चींटी भी 100 योजन चली जाती है, यानी 1200 किलोमीटर, और भी ज्यादा जा सकती है। जो 1200 किलोमीटर जा सकती है वो पड़ाव डाल के फिर आगे चल देगी तो और भी 1200 किलोमीटर चली जाएगी शनै शनै। तो आप अभ्यास करिए, कीजिए निवृत्त होने का, संसार को जीते हुए, संसार में जीवन जीते हुए और संसार निवृत्त होने के लिए भी आप उपाय कीजिए। ये आपकी सात्विक बुद्धि के कर्तव्य हैं। यदि ऐसी बुद्धि आपके पास है तो आपके पास सात्विक बुद्धि है, तो आप धनाढ्य हैं। रजोगुणी है तो दुखों के भागी बनोगे, तमोगुणी हो तो नरक के भागी बनोगे। उसमें कोई भाग्यशाली नहीं है, अभागी है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भयाभय, इनको जो जानती है, भय और अभय, कार्य अकार्य, वो जानती है कार्य कर्म, कौन सा कर्म है जिस जो मुझे इस संसार में या जम के फंदों में नहीं बांधेगा, दुखों में नहीं डालेगा, जेल में नहीं डालेगा। जम की जेल भी है, जमराज की, और इधर भी, इधर की भी जेल है। दो जेल तो आपके सामने है हमेशा, बाकी तीसरी जेल हम रोज पैदा करते हैं अपने कर्मों से, चिंताएं, फिकर, बीमारियां, हम खुद इनवाइट करते हैं, आइए आइए। ऐसे तो सभी जेल है, हम ही इनवाइट करते हैं। भगवान हमको ना कष्ट देना चाहते हैं ना जेल देना चाहते हैं, वो तो मंगल मूर्ति है, बांसुरी बजाते हैं और ग्वाल बालों के साथ खेलते, गाय चराते हैं। वो आपको आपको आनंद देना चाहते हैं, बुलाते हैं जमुना किनारे कि आ जाओ नहाएंगे, लेकिन आप फंसना चाहें तो फिर जाके जेल, ये कैद उपस्थित होती, बंधन उपस्थित होते, दुख उपस्थित होते। कर्म जो नहीं जानता क्या कर्म करना चाहिए, सात्विक बुद्धि जानती है कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए जिससे मैं संसार में फंसूं, धीरे धीरे मैं सुलझता जाऊं। क्या मेरी ब्रह्म की ग्रंथियां खुल रही हैं ऐसे कर्म करने से? 6 भ्रम है, 6 भ्रम की गांठ लगी हुई है, क्या ये खुल रही है? लोगों के गांठ लगी हुई है, कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन गांठ लगी हुई है, मैं ऊंचे गोत्र का हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं करोड़पति का बेटा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, ये गांठें लगी हुई है। नहीं, जब गांठें सुलझ जाती है तब हम कहें, जब जिसकी गांठें सुलझे, उन्होंने कहा कि मैं उस प्रभु के दासों का, दासों का दास हूं। जब भ्रम की गांठ सुलझ जाएंगे तब आपके अहंकार भी दूर हट जाएंगे, झड़ जाए, झूठे अहंकार, फालसी हो। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म संसार के कर्म फल में फंसाता है, संसार में बार बार जन्म लेते हैं, सकाम कर्म, विकर्म, सकर्म और अकर्म, ये कार्य अकार्य की और भगवान ने ध्यान दिलाया कि विकर्म जो करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, स्वभाव के विरुद्ध, वो लोग नरक की गति को प्राप्त होते हैं। सकर्म जो करते हैं, कर्म करते हैं, फल चाहिए, जो फल के पिपासु हैं वो संसार में उस फल को भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म, बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, बार बार विभिन्न माताओं के गर्भ में जाते हैं, कभी मनुष्यों में, कभी दूसरे प्राणियों में। सकर्म, अकर्म, अकार्य, अकर्म, निष्काम कर्म, जिस कर्म को करके आपको फल नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति, ये निष्काम कर्म ही आपको मुक्त कराता है। तो सात्विक बुद्धि जानती है कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं, जिस कर्म को करके, जिस सेवा को करके मेरे हृदय में एक एक पैनी की, एक पैसे की भी अभिलाषा नहीं उठी,
वो मेरा निष्काम कर्म है, ये मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दो फूल चढ़ाना चाहता हूँ उनके चरणों में। मांगना नहीं कुछ, मांगना तो व्यापार हो गया। जैसे मराठी भाई मांग रहा था गणपति बापा के सामने, नारियल तोड़ा, बड़े फूलों का हार ले गया, फूलों का हार डाला, नारियल तोड़ा और इधर उधर देखा और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, धीरे धीरे पुष्प सुखाने लगा कि गणपति बापा और तो सब आनंद है, आपकी कृपा है, एक मारुति नहीं है बाबा, एक मारुति कार दिला दो। अरे भाई, एक रुपए का नारियल तोड़ा है, दो रुपए का हार फूलों का चढ़ा है, तीन रुपए और मांगते हो 3 लाख की कार, ये तो गड़बड़ वाली बात है। देखो गणपति बापा, कोई संत महात्मा बोल रहे थे, गणपति बापा बोल रहे थे उसको कि भैया मारुति कार होती तो मैं चूहे के ऊपर क्यों बैठता, मैं भी तो। तो ये लेन देन का व्यापार भगवान के साथ बंद कर देना चाहिए। ये तो अपन कर्म करेंगे, मारुति आई जाएगी, नहीं आए तो जब तक नहीं आए साइकिल पे चल लो, साइकिल पे नहीं है तो पैदल चल लो, दो टांगों की गाड़ी तो सदैव भगवान ने आपको दी है, कितना आनंद आता है चलने में। फिर सरकारी बस है, ट्रेन है। कहने का तात्पर्य है कि कार्य और अकार्य निष्काम कर भगवान को दीपक अगरबत्ती जलाते हैं या कोई फल फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ, ये नेत्र दिए हैं जिनसे सारा संसार देख सकते हैं, ये मनुष्य का जन्म दिया है जिससे स्वयं परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा साधन ऐसी मारुति हमको देती है कि हम परम धाम के वासी बन सकते हैं। ये शरीर से मानुषो दुर्लभो देही, बड़ी दुर्लभता से मिलता ही, ऐसे ही मिलता, मारुति मिल जाएगी, एरोप्लेन मिल जाएगा, मानुष्य का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग से आपको मिला है। अब इससे इस शरीर को प्राप्त करके चाहे आप चरस पिए, गांजा पिए, शराब पिए, उल्टा सीधा भक्षण करें, जो कुछ आपकी स्वतंत्रता है कर्मों में, फल में नहीं, कर्मणे वाधिकार अस्ति, कर्म करने में मीट फ्रीडम दिया भगवान ने आपको, कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता दी, कर कर बेटे, थोड़ा डोरी ढीली छोड़ दिए, कर्म क्षेत्र में तो कुछ भी कर, मिनट फ्रीडम देता हूं तुझे। तो यदि हम कर्मों में नहीं संभले तो फंस जाएंगे। ले सात्विक बुद्धि अगर आपके पास है तो आप नहीं फंसेंगे, आप सुलझते जाएंगे, आप विकार मुक्त हो जाएंगे, भ्रम मुक्त हो जाएंगे, संसार से जन्म मरण जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे एक दिन, और कहाँ जाएंगे, सीधे इटर्निटी को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, जहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, वो मेरा परम धाम है जहां जाकर के ये आत्मा, ये जीवात्मा, ये भक्त, ध्यानी, ज्ञानी वापस नहीं लौटते। भय, संसार में भय उपस्थित होता है जब हम संसार को पकड़ते हैं, जितना हम पकड़ते हैं, मोह में फंसते हैं, मैं और मेरी की रट लगाते हैं, उतने हम भयभीत होते हैं। चोरों का भय, डाकुओं का भय, अग्नि का भय, शरीर छूट जाने का भय, मृत्यु का भय, दुश्मनों का भय, ओला बारिश का भय, तूफान का भय, अर्थ भूकंप का भय, क्या भय नहीं है, भय भय से घिरे हुए, क्योंकि भगवान की शरण में नहीं है। अब है दूसरा शब्द है, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार
बिंद रे बजाओ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन एते की आछी परतीत रे। जीवन तलमल कमल दल जल करहुँ हरि पद प्रीत रे। करहुँ हरि पद प्रीत रे। भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे। अभय चरनारविंद रे। अभय चरनारविंद रे। अभयता ही हमको भगवान से मिलाती है। अभय तो हम तभी हो सकते हैं जब प्रभु की शरण में हो। प्रभु की शरण में होंगे तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, डरेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सब पर दया दृष्टि रखेंगे, सबकी सेवा करने को तत्पर रहेंगे, तब हम अभय बनेंगे। कोई हमारा तब दुश्मन नहीं होगा, सभी मित्र होंगे। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। सुहृदं, सबके आप हितैषी बन जाएंगे, सुहृद यानी मित्र बन जाएंगे, पेड़ों के भी, पौधों के भी, पशुओं के भी, पंछियों के भी, अमेरिकन के भी, अफ्रीकन के भी, काले के भी, गोरे के भी, हिंदू के भी, मुस्लिम के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, सर्वत्र भगवान की छवि नजर आने लगेगी। तभी आप अवय होंगे, तब आपको ज्ञान होगा कि मेरे प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं डरूं क्यों? अगर उनको जो करना है वो करेंगे ही, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, और भले में करेंगे, मेरे हित में करेंगे, चाहे मुझे शेर भी खाने आए, चाहे कोई मुझे मारने भी आए, चाहे मेरा कोई धन चुराने के लिए आए, चाहे मेरा कोई अपमान करने के लिए भी आए, उनकी इच्छा के बिना नहीं कर सकता ना अपमान। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले ना कोई फूल। तू अजर अमर अज निराकार स परमेश्वर, देह कभी न धरे, बिन कान सुने बिन पांव चले बिन हाथ करोड़ों काम करे। तू मालिक है सब दुनिया का, तेरा डाला हुक्म कभी न टले। जो दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंधु तरे। सुख निदान जग फूल बगिया का तू ही माली है। सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी अजब निराली है। निराकार भी हुई है, साकार भी हुई है। निराकार स्वरूप तभी तक है जब आपके हृदय के चक्षु नहीं खुले। जब हृदय के चक्षु खुल जाएंगे तो सब पर सर्वत्र साकार स्वरूप उन्हीं का रूप है। भगवान साकार स्वरूप थे, सुंदर श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं। वेणुं क्वणन्तं अरविन्दाय ताक्षं बरावतंसं असिताम्बुद सुंदरांगं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभं गोविंदं आदिपुरुषं तमाहं भजामि। अंगानि यश सकलेन्द्रियो वृत्तिमन्द
पशांति भांति कल्यांति चिरं जगांति आनंद चिन्मय साधुज्वल विग्रहाश गोविंदम आदिपुरुषम तमाम भयामि। भगवान श्याम सुंदर परम रूपवान हैं। उनका श्री विग्रह, उनका शरीर हमारा जैसा भौतिक शरीर नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर तो उनका श्री विग्रह सत्चित आनंद है, जिस स्वरूप की आत्मा है हमारी, जिसको हम देख नहीं सकते किसी टेलीस्कोप से, दूरबीन से। वैसे ही उस सच्चिदानंद शरीर को आप कैसे देखोगे बिना उनकी कृपा के? इसलिए थोड़ी सेकंड दर्जे पर, सेकंड सीढ़ी पर, सेकंड दर्जे पर आने वाले लोग उसे निराकार रूप से कहते हैं। तो भगवान कहते हो निराकार रूप भी मेरा ही है, वो अनंत में फैली हुई प्रकाशमान ज्योति, वो इटर्नल प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश, जिसमें अनंत ब्रह्मांड एक कोने में रखे हैं, वो भी मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने तो विराट स्वरूप को भी कहा कि देख मेरा ये विराट स्वरूप, ये भी मैं ही हूं। गिनने मेरे कितने हाथ है, कितने पांव है, कितने बेली पेट है, कितनी आंख है, कितने मुख है। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वो गुल की जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। तू ही लैला तू ही सीरी हजरते यूसुफ तू ही, कौन है आशिक जो तेरे इश्क में मजनू नहीं। जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, क्यों ना फिर बेखौफ हाथों दिल तेरे में दू नहीं। बिंदु कहता है कि हूं मैं जब जुदा दरिया से है, मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं। हरी हमारी हमेश हरदम हर एक सह में झलक रहे हैं। जो उनको गुलशन में देखा तो हर एक गुल में महक रहे हैं, जित देखो तित श्यामयी है, जित देखो तित श्यामयी है। ये पूरी वसुंधरा ही श्याम स्वरूपा दिखाई देने लगती है जिनके हृदय में श्याम बंसी बजा रहे हो। मीराबाई कहती कि अब तो मेरी दशा वो हो गई है कि मैं जिधर देखती हूं उधर मुझे श्याम ही नजर आते हैं और कुछ नहीं दिखता। ये बहुत बहुत प्रकाशमान स्थिति है भक्त की, बहुत उच्च स्तर के भाव है भक्त के। ऐसा नजरिया है देखने का भक्त का, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। लेकिन भैया किसी आंख वाले ने उसकी पहचान की? हर कोई के तो आंख, कौन सी आंख? प्रेम भरी आंख, ज्ञान भरी आंख, प्रेम। जहां हो प्रभु का वहां प्रभु ही नजर आते हैं, चट्टानों में भी, वृक्षों में, दरख्तों में, गधे घोड़ों में भी, गायों में ही नहीं, गधों में प्रभु नजर। वो है, वो सर्वत्र है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मीं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। वो सर्वत्र है, हरि सबके हृदय में स्थापित है, हरि का ये विस्तार है सारा और कुछ नहीं। लेकिन ये न समझे कि हरि सर्वत्र है तो क्या अपने धाम में नहीं है, या उनके पास अपना कोई खुद का शरीर नहीं है?
आप लोगों के पास तो बड़े सुंदर सुंदर शरीर, उस परमेश्वर के पास जिन्होंने अनंत को बनाया है सुंदर सुंदर रूप पर मुखार बिंदर नेत्र दिए, क्या वो बिना स्वरूप के ही है? क्या उसके पास नेत्र नहीं है? नहीं, ईश्वर परम ऐश्वर्यवान है, सर्व ऐश्वर्य प्रधान है, भगवान श्री कृष्ण के पास उनके जैसा कोई रूपवान नहीं है, उनके कैसा उसको कैसा उनके जैसा कोई रूपवान नहीं है, उनके जैसा कोई वैराग्यवान नहीं है, उनके जैसा कोई बलवान नहीं है। वो परम बलवान, परम वैराग्यवान है, परम रूपवान है, परम कीर्तिवान है। उनकी जैसी कीर्ति कहीं नहीं फैली है, किसी की नहीं फैली है। उनके जैसे कोई बुद्धिमान हो सकता है? जिनका शरीर भी, जिनका श्री विग्रह भी सत चिदानंद है, चिद यानी बुद्धि, सत यानी इटर्नल, मैटेरियल नहीं। हमारे शरीर और इंद्र का शरीर और ब्रह्मा का शरीर मैटेरियल है, नहीं भगवान श्री कृष्ण का या शिव का या राम का इटर्नल शरीर है, भौतिक शरीर नहीं। फॉर एवर नवयौवनम च प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनका स्वरूप अचिंत है, चिंतन नहीं कर सकते, मन बुद्धि से परे है, इतने आकर्षण है उनके अंदर, इसलिए उनके भक्तों ने उन्हें कृष्ण कह के बोला, आकर्षण कृष्ण और अट्रैक्टिव। अद्वैतम उनका जैसा दूसरा नहीं है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, सदैव तरुण अवस्था में नवयौवन नित्य नूतन, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं कि हे नवयुवन सदैव तरुण अवस्था में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण, जानने से आप जानने में नहीं आते, कोई जानना चाहे कि मैं जानना चाहता हूं कौन है कृष्ण तो नहीं जानते, वेदेषु दुर्लभम कैसे जानोगे, क्या ये कोई मैट्रिक या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई या डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या कोई दूसरी पढ़ाई नहीं जिसको जान लोगे, या गीता भागवत रामायण कुरान पुराण बाइबल पढ़ के आप जान लोगे? नहीं, वेदेषु दुर्लभम, ध्यान करके भी उसको जानने की कोशिश करोगे तो नहीं जान पाओगे। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, उन्हें जानने के लिए तो उनका प्रिय भक्त बनना पड़ेगा, प्रिय प्रेमी बनना पड़ेगा, तभी तो जान पाओगे, और तो कोई मार्ग नहीं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजाम। भजौरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अभयता को प्राप्त होने के लिए उस परमेश्वर गोविंद के चरणों में शरण लो, जिनके दर्शन को शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत से उतर के नीचे आते हैं, योगी बाल योगी का रूप धर के यशोदा के आंगन में आते हैं, भिक्षा का पात्र फैलाते हैं, भिक्षां देहि मां, हाँ बाबा लाती हूँ लाती हूँ, माँ यशोदा थाल में सुंदर अन्न और कुछ
धन लेके आई कि लो बाबा। नहीं मां, हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते, हमने सुना तुम्हारे कोई बालक का जन्म हुआ है, हम उस बालक को पहले आशीर्वाद देंगे फिर भिक्षा ग्रहण करेंगे। नहीं बाबा, मेरा बालक सो रहा है और आपके इस रूप को देख करके, जटा जूटों को देख करके वो डर जाएगा, आप ले लो भिक्षा। नहीं मां, हम खाली हाथ चले जाएंगे, हम आपके बालक के दर्शन करने के लिए आए, आशीर्वाद देने आए। अच्छा बाबा, इतनी देर में तो भगवान को, तो भगवान से तो कुछ छुपाई नहीं है, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी है, ऐसे ही भगवान, परम भगवान भी त्रिकालदर्शी है। भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, कृष्ण अवतार है भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके विस्तार है, कारण कारण अवतार, प्रलय के देवता भगवान विष्णु, भगवान पालन पोषण सस्टेनर, ब्रह्मा जी क्रिएटर सृष्टि करता, भगवान की अंश अवतार है, भेद नहीं है, अंश अवतारों में और भगवान में स्वयं में भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पल्ले में सोए हुए थे, छोटे थे, रोने लग गए, रोने लग गए तो यशोदा माँ लेके आई कि बाबा बोलेगा कि अब तो देखो सो नहीं रहा है, अब तो दर्श मेरे को आशीर्वाद देने दो, लेके आओ बच्चे को। तो माँ यशोदा लेके आई कि बाबा दे दो जल्दी से आशीर्वाद, आपके रूप को देख के डर जाएगा मेरा बालक। नहीं माँ, ऐसे हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हम अपनी गोद में लेंगे तब आशीर्वाद देंगे, अपना हाथ फैलाएंगे बच्चे के सर के ऊपर प्रेम से, तब हमको गोद में दो हमारे। अरे बाबा ये लो, भगवान शंकर आशीर्वाद तो दे ही रहे लेकिन चरण चूम लिए कि धन्य प्रभु, मैं आपके दर्शन को कैलाश पर उस बर्फीले माउंटेन के ऊपर हजारों हजारों वर्ष तक समाधि में जाता हूं आपके दर्शन के लिए, और आप यहाँ पर एक गोपाल के ग्वाले के घर में खेल रहे हैं, ऐसी लीला भगवान। इन लीलाओं का रस जब आपके ग्रंथियां लेने लगेंगी तो आप भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे, जब प्रिय भक्त बन जाएंगे तभी आप भगवान को जान पाएंगे। वेदेशु दुर्लभम ऐ दुर्लभम आत्मभक्तो, आत्मभक्त क्या होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त। चतुर्विधा वयन्ति माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर सभा तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सहचे मम प्रिय। ज्ञानी भक्त अति अर्थों में, ज्ञानी भक्त की हृदय में मेरा बहुत प्रेम है और मेरे हृदय में भी ज्ञानी भक्त के प्रति उतना ही प्रेम है। जो ज्ञानी भक्त है और मेरा भक्त है, ज्ञानी तो है ही लेकिन मेरा भक्त है, प्रेमी है। अर्जुन में कोई कमी नहीं थी कि उनको ज्ञान देने पड़े, अर्जुन भगवान के अंतरंग मित्र है सदैव के लिए। बहुनाम में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तान हम वेद सर्वाणी ना त्वं वेद परंतपा। जन्म जन्म भगवान जहां जहां प्रकट होते हैं अर्जुन के साथ होते हैं, अलग अलग नामों से, नर के रूप से, नर और नारायण, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान को ये ज्ञान इस धराधाम को देना है। यह ज्ञान लुप्त हो गया है, जो ज्ञान कभी सूर्य लोक के राजा विभीष्ण को दिया था। इमं विवश्वते योगं प्रोक्त्वानं अव्ययम् मनोरिक्ष्वाकवे अव्ययम् विभीष्ण मनवे प्रा मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम ऋषि मुनियों ने जाना, एवं परंपरा प्राप्तम। परंपरा जैसे होती है, बाप के पास जो कुछ खजाना होता है बेटे को दे जाता है,
गुरु के पास जो कुछ खजाना होता है शिष्य को दिया जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकालेने मेता योगो नष्टः परन्तप सैवायं मयाति यद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असीमि सखाचेति रहस्यमि तदुत्तमम्। इस ज्ञान को मैं क्यों दे रहा हूं अर्जुन तुझे, कि तू मेरा भक्त भी है, शुद्ध भक्त और मित्र भी है। तो उस गीता ज्ञान को समझने के लिए भगवान का एक शुद्ध भक्त होना चाहिए और मित्र भी। इतना ऊंचा स्तर भक्त का होगा तब गीता को पूर्ण रूप से समझ पाएगा। गीता सागर है। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीता, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मात्मि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो उसको जानने के लिए वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च और नव नूतन नित्य नूतन है भगवान। ना तद भाष्य तो सूर्य, सूर्य की जरूरत नहीं है भौतिक अंगारे की उनके धाम में। ना तद भाष्य सूर्यो ना शशांक को चंद्रमाओं की वहां आवश्यकता क्या है। वहां कितनी रंगीन लाइटें ऑटोमेटिक ही ऐसे ऐसे प्रभावशाली होती है, ऐसे आनंद भरती है, ऐसी ऐसी शाइनिंग लाइटें उतरती है चढ़ती है, न जाने कितने रंगों को लेकर के, कौन जाने। मन बुद्धि से परे की बात है। ना तद भाषित सूर्यो ना शशांक को ना पावक अग्नि की वहां क्या आवश्यकता है। चूल्हे जलाने वहां, वहां तो चुटकी बजाओ और छप्पन में तैयार है, क्या करोगे अग्नि का। सर्दी थोड़ी वहां पड़ती है, वहां तो मन भावन मौसम उतरती। ना तद भाष्यति सूर्यो ना शशांको ना पावक यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के ये प्राणी वापस नहीं लौटता, हे अर्जुन वो मेरा धाम है। अर्जुन को प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है कि अर्जुन मेरा कहा मान लेगा, ऐसे ऐसे प्रलोभन निम्ना दो, नहीं भगवान सत्य बात बोल रहे जो है वो बोल रहे एज इट इज, जैसा है वैसा यथावत। तो अभय कैसे हो सकते हैं हम, अभय तभी हो सकते हैं भगवान की शरण में हो। भगवान की शरण में नहीं है, माया की शरण में, पैसे की शरण में, रिश्तेदारों की शरण में, यारों की शरण में, कारों की शरण में, व्यवहारों की शरण में, भगवान से परे हैं तो कैसे अभय होंगे। किस यार ने किसी को अभय बना सका कोई यार कि मैं अभय करता हूं मृत्यु से तुझे, नहीं। भगवान एकमात्र है जो मृत्यु से आपको अभय कर सकते हैं। तमाम वक्त से अभय कर सकते हैं। भजौ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद रे, अभय चरण बंधम मोक्षम चया वृत्ति बुद्धि सापात सात्विकी। बंधम यानी किस कर्म के करने से कौन सा एक्शन लूंगा उसका रिएक्शन आएगा, बंधन में बंधूंगा। ऐसा कर्म सात्विक बुद्धि जानती है कि इस कर्म के करने से मैं बांधा जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, यहाँ की जेल में, अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और जमराज की जेल में बच नहीं पाऊंगा। और ये जन्म मरण जरा व्याधि, ये तो एक फांसा है, जेल है, बार बार जन्म लेना, मरना, बुढ़ापे में जाना, बीमारियों में सुनना, गिर जाना। बंधन, ये बंधन को जानती है कि ऐसा करूंगा तो ये बंधन में बंधूंगा। मोक्ष में नहीं, मुक्ति को भी जानती है कि ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो जो कुछ बंधन हैं, कुछ धागे बच गए बंधन के, वो भी टूट जाएंगे,
उस मुक्ति को भी, मोक्ष को भी, कर्म बंधन, कर्म के फल के बंधन से भी मुक्त होना जो जानती है। हे पार्थ, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। ये सात्विक बुद्धि श्रेष्ठ है। तो रजोगुणी सत्वगुणी बुद्धियों का वर्णन तो हम करेंगे, लेकिन आप अगर सात्विक बुद्धि को समझ जाओ तो फिर उनमें जाने की जरूरत ही नहीं हो ना। वो तो खतरनाक बुद्धि है, सत्वगुणी है, श्रेष्ठ है। रजोगुणी दुख लाएगी, रजोगुणी बुद्धि दुख उपजाती है। तमोगुणी बड़ी नीची गति को ले जाती है, नरक तक ले जाती है। तो बोलिए आप, सत्वगुणी तो सत्वगुणी बुद्धि हो कैसे? जब सत्वगुणी आपके अंदर प्रबलता, सत्वगुण का शासन होगा, भ्रष्ट नेताओं का शासन होता है तो देश अभागा नीचे की गति हो जाता है, दुखों में, तकलीफों में, कलेशों में, झगड़ों में, दुश्मनों के चंगुल में, आतंकवादियों के अंडर में। जब भ्रष्ट नेता होता है देश का, और नेता कोई पवित्र आत्मा होता है, तो देश उठता है, खिलता है, फैलता है, दुनिया में नाम रोशन करता है। ऐसे ही आपका हाल है। सत्वगुण में बुद्धि होगी तो आप खिलेंगे, फैलेंगे, आनंद में फूलेंगे, फलेंगे। आप भी, आपका परिवार भी, आपका सारा वायुमंडल आपके साथ साथ खिलेगा, हंसेगा। ठीक है, अगले सत्संग में आगे बढ़ेंगे रजोगुणी बुद्धि के बारे में भी और तमोगुणी बुद्धि। समय के कारण ये आज का सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आप पहले इसमें मनन कीजिए, फिर मैं बतलाऊंगा कि सत्वगुण प्रबल कैसे हो सकता है। कुछ तो मैं बतलाता ही रहता हूँ, लेकिन मैं और अच्छी तरह से बतलाऊंगा कि आपके शरीर में भी सत्वगुण की प्रबलता हो, जिससे आप सुखी हो। ये समाज में सत्वगुण की प्रबलता हो, जिससे समाज सुखी हो, फूले फले और अभय बने, निर्भय बने। अभी निर्भय है कोई? कहीं किडनैपिंग हो रही है अफ्रीका में, नाइजीरिया में भी 278 लड़कियों का कोई ग्रुप ने, बदमाशों ने और किडनैप करके जंगलों में छुपा रखा है, खबर आ रही है रोज। किसी से कोई देश डरा हुआ है, आतंक से डरा हुआ है, बम ब्लास्ट से हर आदमी के साथ सिक्योरिटी चल रही है, बड़ी बड़ी राइफलें चल रही है नेताओं के साथ। क्यों? मारने का डर है, कोई मार देगा, उड़ा देगा। क्यों डर है? क्योंकि भगवान की शरण नहीं है उनके पास, वो भगवान की शरण में नहीं है, वो शुद्धता की शरण में नहीं है, इसलिए भय भी। और भय पैदा कर रखा है चारों तरफ से, समाज के अंदर कोई हो रहा है, रजोगुण प्रबल हो रहा है, तमोगुण के उसमें छांटे पड़ रहे हैं, जैसे कोई जहर के छांटे हो। तमोगुण, रजोगुण में जहर के छांटे उछाटे जा रहे हैं, जहर उछाटा जा रहा है, तमोगुण भी उछट रहा है। तो कैसे समाज सुखी, कैसे समाज सुखी हो? जनक ऋषि भी तो शासन करते थे, लेकिन सत्वगुण में। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज शासन करते थे इस शुद्ध सत्वगुण में, निष्पाप। भगवान ने अर्जुन को भी निष्पाप कहा है, हे निष्पाप अर्जुन, हे अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज, जिनका कोई शत्रु नहीं पूरे विश्व में, सबके प्रेमी, सबको आलिंगन करने के लिए बाहें पसारे हुए, क्या ही सुस्वागत। अभी हालत बिल्कुल अपोजिट जा रही है, लोग भयभीत, नेताओं भयभीत हैं, सेठ भयभीत हैं, जिनकी जवान बच्चियां हैं
भयभीत है, बदमाश है, स्कूल को ब्लास्ट करके और 300 लड़कियों को किडनैप करना, ये बड़े बड़े उदाहरण भय के देखने को मिल रहे हैं। आतंक फैला हुआ, आतंक भय फैलाने वाली बात को ही कहते हैं, जो भय फैलाते हैं समाज के अंदर, दहशत फैलाते हैं। तो ये भय कौन फैलाता है? तमोगुण, रजोगुण भी भय फैलाता है, सत्वगुण प्रेम फैलाता है। सत्वगुणी सफलता की सीढ़ी है, बाकी असफल है। भगवान की शरण में व्यक्ति नहीं होगा तो उपद्रव करेगा, और उपद्रव दूसरों के लिए नहीं करता, वो अपने लिए खड्डा खोदता है, खाई खोदता है गिरने के लिए। भगवान की शरण में रहने से, भगवान के लॉ को मानने से, कानून को मानने से, प्रकृति के कानून को मानने से हम सुखी हो सकते हैं, अभय हो सकते हैं, और कोई जरिया नहीं। बाकी तो भय ही भय पैदा होता है संसार में, जगह जगह भय, एरोप्लेन में चले तो भय, कोई टेरर तो नहीं घुस गया, ट्रेन में चले तो भय, किसी ने बम तो नहीं रखा है, बस फूट गई, बम फूट गए बसों में, छित्र उड़ गए, छित्रे छित्रे रोज हो रहा है, तो भयभीत नहीं होंगे लोग, तो क्या करेंगे? अपने दरवाजों से ही देख लेते हैं कौन है, दरवाजा नहीं खोलते, भयभीत है। चोरों का ही नहीं, बदमाशों का भय, सिंहों का डर नहीं है मनुष्य को, या कोबरे का, बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं दरवाजे बंद करके, कॉकरोच भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन भय है आतंक का। और समाज में पाप बढ़ते हैं तो भगवान भी पनिशमेंट देते हैं, भूकंप होता है, साइक्लोन आते हैं, सुनामी जाती है, धरती कांपती है, ऊपर से अग्नि बरसती है, ये सब भय के कारण है। क्योंकि समाज भगवान की शरण में नहीं होगा, भगवान की शरण क्या है? सत्य की शरण, सत्य मार्ग पर नहीं चलेगा तो भय पैदा हो। निर्भय चोर कैसे हो सकता है? रिश्वतखोर कैसे निर्भय हो सकता है? डाकू कैसे, आतंकवादी कैसे, जो दूसरों को मारने के लिए चला है वो कैसे निर्भय हो सकता है? उसके पीछे दूसरा चला हुआ है उसको मारने के लिए, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा। भय मनुष्य पैदा करता है भगवान, अभय ताको भी मनुष्य प्राप्त होता है भगवान की शरण लेकर के, उनके नाम सतपथ पर चल के। जब ये जीवन का रथ सतपथ पर चलता है तो ये प्राणी अभय होता है। इसलिए महान संतों ने कहा है, भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, चाहे अभय नंद नंदन की शरण हो, एक बहु नाम, चाहे अल्लाह की शरण हो, सत्य की शरण ही अल्लाह की शरण है, सत्य की शरणी गॉड की शरण है, सत्य की शरणी बुद्ध की शरण है, सत्य की शरणी महावीर की शरण है, सत्य की शरणी वाहे गुरु की शरण है। जब सत्य की शरण लेंगे तभी हम अभय हो सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है। कथा बहुत आगे चलेगी मेरे अगला सत्संग में, तो आज के लिए मैं वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय गोपाल, आपने इतने प्रेम से सुना, भगवान जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे, भगवान का प्रेम आपके हृदय में अवश्य, और भक्ति आपको मिलेगी भगवान की। जय गोपाल।
फिर सभा होगी, उसमें मैं आपको सूचित करूंगा।